Yes. You're my sweet boy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारिम्स बर्डज़ोटिक। मेरा नाम है मोहम्मद अवेस। जिस तरीके से आपने आपके डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीकन ग्रे के बारे में। अफ्रीकन ग्रे एज अ पेट, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ टिप्स उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो नेटिव रीजन है, अफ्रीकन ग्रे का जो नेटिव रीजन है इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उसके अंदर है, कंट्रीज जहाँ पे वो पाया जाता है दैट इज केनिया, तंजानिया और उसके बाद में घाना हो गया। ये जब जो कंट्रीज है वहाँ पे पाए जाते हैं अफ्रीकन ग्रे। अफ्रीकन ग्रे दो टाइप के आते हैं, वन इज कॉन्गो एंड द अदर वन इज टिम्ने अफ्रीकन ग्रे। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हो, दिस वन इज अ कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे। कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे है ये टिम्ने नहीं है, ये कॉन्गो है। मोस्ट प्रोबेबली जब मेरे पास टिम्ने अवेलेबल होगा तो मैं टिम्ने पे वीडियो बता दूंगा, बनाऊंगा, बट अभी मेरे पास में कॉन्गो अवेलेबल है तो कॉन्गो के बारे में बता रहा हूँ। कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे का जो साइज होता है, इट इज बिगर देन टिम्ने अफ्रीकन ग्रे। कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे इज अराउंड 15 इंच फ्रॉम बीक टू टेल, 15 इंच के आसपास होता है बीक से टेल के बीच में, बीक से टेल तक के 15 इंच के आसपास होता है। और कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे की जो दुम होती है दैट इज टेल, आप देख सकते हो रेड कलर की होती है, रेड देख सकते हो नीचे रेड कलर की टेल है। जी हाँ, और टिम्ने के अंदर जो टेल होती है वो डार्क कलर की होती है, मरून डार्किश या फिर डार्क ग्रेइश टाइप में होती है और बॉडी का कलर भी थोड़ा डिफर होता है। और टिम्ने अफ्रीकन ग्रे जो होता है दैट इज स्मॉलर इन साइज, वो साइज में छोटा होता है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है इट इज अराउंड 50 ईयर्स इन कैप्टिव, अराउंड 50 साल के आसपास का जो इनका होता है लाइफ स्पैन होता है। इनका कलर आप जैसे देख सकते हो चारकोल ग्रे टाइप में होता है, टेल का कलर जो होता है रेड होता है और हेड का कलर वाइट और ग्रेइश टाइप में होता है। ये जो बर्ड है इट इज अराउंड 7 मंथ ऑफ एज, ये मेल है, डीएनए सर्टिफिकेट के साथ में है, इसका 7 मंथ का एज है, 7 महीने का एज है। अफ्रीकन ग्रे का एज डिटरमाइन करना है, एज पता चलना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है उसकी आइज कलर के ऊपर से। अब ये आप देख सकते हो इसका आइज का कलर कैसा ग्रेइश टाइप में है। जब बच्चा होता है तो डार्क ब्लैक होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है उसका आइज का कलर चेंज होता है, बच्चा होगा तो ब्लैकिश होगा। अब ये 7 मंथ्स का है, 7 मंथ्स टू 1 ईयर के आसपास जो होगा वो ग्रेइश टाइप में होगा और उसके बाद में जैसे बड़ा होगा लाइट येलो होगा, वाइट होगा, फिर लाइट येलो होगा, फिर डार्क येलो होगा, इस तरीके से एज उनका पता चलता है। अगर डार्क फुल डार्क येलो है तो इसका आइज का कलर जो होगा, सॉरी एज जो होगा मस्ट बी अराउंड 5 इयर्स। तो इस हिसाब से हम एज डिटरमाइन कर सकते हैं अफ्रीकन ग्रे की एज पर दी आइज। अब इनके डाइट के बारे में आते हैं, तो इनका जो डाइट है, नॉर्मली जो भी हम एक्सोटिक बर्ड्स होते हैं उनको जो डाइट देते हैं हम वही देते हैं उनको, कॉर्न्स हो गया, स्प्राउट्स हो गया, वेजिटेबल में सीड्स हो गया और उसके बाद में सॉरी वेजिटेबल्स हो गया, वेजिटेबल्स में कॉर्न हो गया, स्प्राउट्स हो गया, कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, फिर हम इनको सीड मिक्स भी देते हैं, बिग साइज की जो सनफ्लावर सीड्स वगैरह आती है वो भी देते हैं। ये बर्ड फुल टेम्ड है, आप देख सकते हो इसको हेड स्क्रैचेस बहुत पसंद है, इंडोर फ्री फ्लाइट बर्ड है, फुल विंग्स बर्ड है, बुलाओगे तो आपके पास उड़ के आता है और बात करना भी स्टार्ट कर चुका है इसने अभी। ऑन एन अराउंड 4 या 5 वर्ड बोलता है, अलग अलग टाइप की विसल करता है, अब्बू बोलता है, पापा बोलता है और 3-4 वर्ड बोलता है। ऑन एन एवरेज 1 साल के एज में अफ्रीकन ग्रे अच्छे से बात करते हैं। सॉरी मैं डाइट पे था, इनकी डाइट के बारे में बता रहा था, डाइट कॉर्न हो गया, स्प्राउट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, बीटरूट, वेजिटेबल्स में बीटरूट हो गया आपका, कैरेट हो गया, ककड़ी हो गई, फ्रूट्स में हो गया आपका एप्पल हो गया
और उसके बाद में पोमोग्रेनेट हो गया, पपाया हो गया, ये सब चीजें हम देते हैं खाने के लिए। फिर सीड मिक्स देते हैं, सनफ्लावर सीड्स, पैलेट्स देते हैं। अफ्रीकन ग्रे को पाम नट्स पसंद होता है तो पाम नट्स वगैरह भी हम देते हैं इसको खाने के लिए। फिर उसके बाद में इसकी जो पर्सनैलिटी होती है, अफ्रीकन ग्रे की जो पर्सनैलिटी होती है वो एकदम मतलब है ना कैसा होता है, फैमिली वालों के साथ में अटैच हो जाता है। किस तरीके से एक्सप्लेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सन कॉर्नियर का एग्जाम्पल लेता हूँ। सन कॉर्नियर जो होता है वो इजिली सबके साथ में बॉन्ड कर देता है। इसकी पर्सनैलिटी अलग होती है कि नॉर्मली एक या दो पर्सन के साथ में ही बॉन्ड करता है, और जिसके साथ में बॉन्ड करेगा उसको ही बॉडी पे टच करने देता है, स्टेप अप करने देता है, ऐसा करने देता है। सबके साथ में बॉन्ड नहीं करता है अफ्रीकन ग्रे जल्दी। और बर्ड कितना भी टेम होने दो, जब वो नई जगह पे जाता है तो हो सकता है वो बाइट करे, थोड़ा चिड़चिड़ा करे, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है। ऑन एन एवरेज 15 डेज के अंदर अफ्रीकन ग्रे नई जगह पे सेटल हो जाता है। और इसकी पर्सनैलिटी जो एकदम सोशल होती है, मतलब आपको अफ्रीकन ग्रे को एटलीस्ट दिन में 2.5 से 3 घंटे का टाइम देना ही देना है, नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाता है उसको, वो डिप्रेस हो जाता है, वो फेदर प्लक वगैरह करना चालू कर देता है, और दैट इज नॉट गुड फॉर बर्ड। और अफ्रीकन ग्रे मैं कहूँगा बिगिनर्स बर्ड नहीं है, मतलब आप पहली बार बर्ड ले रहे हो तो अफ्रीकन ग्रे लेना सही नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू स्मॉल बर्ड्स लाइक सन कॉर्नियर और येलो साइडेड कॉर्नियर वगैरह होते हैं, क्योंकि दिस आर वेरी सोशल बर्ड, बहुत इंटेलिजेंट बर्ड होते हैं, तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अफ्रीकन ग्रे का दिमाग जो होता है ऑन एन एवरेज 5 साल का जो बच्चा होता है उसके मुकाबले में होता है। तो 5 साल के बच्चे को जितना ब्रेन होता है, जितना दिमाग होता है, उतना दिमाग होता है, तो इमेजिन वो कितना इंटेलिजेंट बर्ड होगा। इसका जो वोकैबुलरी होता है, जो बात करते हैं, वो नॉर्मली ऑन एन एवरेज मैंने पढ़ा है 1000 वर्ड्स तक के सीख लेते हैं बात करना। अफ्रीकन ग्रे इज द मोस्ट टॉकेटिव बर्ड इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ मिमिक भी नहीं करते, बात करते एकदम क्लियर बात करते हैं, और दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ये सिर्फ बात भी नहीं करते हैं, इनको ये समझ में आता है वो क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको एप्पल चाहिए होगा तो वो बताएंगे कि आपको एप्पल चाहिए, एप्पल चाहिए इनको, वो आपको बताएंगे अच्छे से। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ये पजल वगैरह अच्छे से सॉल्व करते हैं, और बहुत अच्छे बर्ड्स होते हैं, बहुत सोशल बर्ड्स होते हैं। ये देखिए बर्ड कितना अच्छा है, अभी मेरे साथ में अच्छे से बॉन्डेड है, इसके लिए मुझे अच्छे से बॉडी पे टच करने देता है, हाथ फिराने देता है। पर कोई नया बंदा आएगा तो उसको इतनी जल्दी इनिशियली ऐसा नहीं करने देगा, थोड़ा वक्त लगेगा बॉन्ड होने के लिए। फिर अफ्रीकन ग्रे का केज साइज काफ़ी बड़ा होना चाहिए, बहुत सारे टॉयज होना चाहिए उसके केज के अंदर, तो वो उसके फ्री टाइम के अंदर खेल सके। आप अगर घर पे नहीं हो तो वो टॉयज के साथ में इंटरेक्ट कर सके। तो केज का साइज बड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से, एटलीस्ट 4 फीट बाय 3 फीट तो एटलीस्ट होना चाहिए, जितना बड़ा उतना अच्छा। टॉयज लगाना चाहिए, वुडन टॉयज होना चाहिए, क्योंकि वो च्यू करेगा तो उसकी बीक वगैरह सब अच्छी हेल्दी रहेगी। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है अफ्रीकन ग्रे के बारे में। आई होप अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है, या आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये बर्ड मेरे पास में अवेलेबल है अभी फॉर सेल के लिए। दिस बर्ड कॉस्ट 48,000 रुपीज़, ये 48,000 का बर्ड है, नॉन नेगोशिएबल प्राइस है। प्राइस डिफर होता है एज पर दी अवेलेबिलिटी, जैसा अवेलेबल होता है। कभी कभी अफ्रीकन ग्रे 45 में मिलता है, कभी कभी 55 में भी मिलता है, डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज 45-50 के बीच में अफ्रीकन ग्रे मिल जाता है आज के हिसाब से, मतलब दिस मंथ और 2019 का रेट है ये। तो आपको ये होप वीडियो अच्छा लगो, आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पोस्ट करिए। और मेरा फेसबुक पे पेज है सारिम्स बर्डजॉटिक नाम का, आप उस पर कॉल उस पर आप फॉलो करोगे तो आप पे जो भी बर्ड्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं सेल के लिए वो आपको मिल जाएंगे। उस पर मेरा नंबर वगैरह भी है। मैं ये इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर नंबर डालना प्रेफर नहीं करता हूँ। आपको अगर कुछ खरीदना है तो फेसबुक के पेज को भी आप फॉलो करिए, तो वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपको ये अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। कम ऑन स्टेप अप बब्बू, कम ऑन स्टेप अप करो, गुड बॉय, गुड बॉय। आप देख सकते हैं टेबल से बोल, कम ऑन सिट डाउन अबू, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।